अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लो अलोंग अ कर्व, और सेकेंड इसी को हम एक्सटेंड करेंगे सर्कुलेशन। और हमें फ्लो अलोंग अ कर्व में करना क्या है, हमें ये बताना है कि किसी भी कर्व के अलोंग हमारे पास जो फ्लो होता है वो क्या है, और उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देंगे हम। अगर आपको इसके लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ जाएगा तो देन आप इजीली सर्कुलेशन भी कैलकुलेट कर सकेंगे। और आपकी बुक पर ये टॉपिक आई थिंक 2.30 फ्लो अलोंग अ कर्व है। और इसके बाद हमारे पास फिर न्यूमेरिकल है इससे रिलेटेड, देन सर्कुलेशन है, देन सर्कुलेशन का न्यूमेरिकल है। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फ्लो हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं ये हम ऑलरेडी जो है फ्लक्स वाले टॉपिक में कंप्लीट कर चुके हैं, बट हियर आई एम एक्सप्लेनिंग इट अगेन। कोई सा पाथ ले लेते हैं फ्लोट के अंदर, आई मीन टू से कोई एक स्मूथ कर्व ले लेते हैं, लाइक मैं ये कर्व ले रही हूँ। इस तरह से मैंने एक स्मूथ कर्व ले लिया और इसके मैं इस पॉइंट का नाम रखती हूँ ये ए है मेरे पास, इस पॉइंट का नाम रखती हूँ ये बी है मेरे पास। और इस कर्व के ऊपर, हम स्मूथ कर्व के ऊपर कोई एक पॉइंट पी ले लेते हैं और इस पॉइंट के ऊपर हम अपना वेलोसिटी और टेंजेंट जो है वो लेंगे। देन इस कर्व का हमारे पास क्या नेम बन जाएगा, ये हमने जो कर्व लिया है इसका नेम हमारे पास आ जाएगा ए पी बी। अब हम फुल कर्व के लिए एक साथ तो फ्लो कैलकुलेट नहीं कर सकते, मैथमेटिकली हमने जितना फ्लक्स वाले में किया था कि हम इसके स्मॉल एलिमेंट्स बना लेंगे इस कर्व के, और उन एलिमेंट्स में से हम कोई एक एलिमेंट सपोज कर लेते हैं। मैं बोलती हूँ वो एलिमेंट है P और P डैश, और इस की लेंथ को हम नेम दे लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमने डेल्टा S लेंथ का एक एलिमेंट लिया है इस APB पूरे कर्व में से। तो हमारा जो एलिमेंट है जो हमने कंसिडर किया है वो हमारे पास आ जाएगा पी पी डैश, और जो इसकी लेंथ आ जाएगी एलिमेंट की हमारे पास वो आ जाएगी डेल्टा एस। अब इस पी पॉइंट पर हमारे फ्लूइड की कोई वेलोसिटी होगी, उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास है वी। और इस पॉइंट पर हम कहते हैं ये हमारा यूनिट टेंजेंट वेक्टर है, इसको शो करती हूँ टी कैप से। अब इन दोनों के दरमियान कुछ एंगल होगा हमारे पास, उसको हम नेम दे लेते हैं कि ये हमारे पास है थीटा एंगल। अब अगर वेलोसिटी से मैं अपने टेंजेंट पे यहां पर इस तरह से 90 एंगल बनाती हूं तो हमारे पास वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एक नॉर्मल कंपोनेंट और एक टेंजेंशियल कंपोनेंट। दिस वन इज नॉर्मल कंपोनेंट एंड दिस वन इज टेंजेंशियल कंपोनेंट। और आपने इसकी वैल्यूज भी आपको पता है क्या होती है, सेपरेटली बता भी देती हूँ। अगर ये आपके पास एक ट्रायंगल है, इसमें ये 90 का एंगल है, इसको मैं कहती हूँ ये हमारे पास वेलोसिटी है, तो इस कंपोनेंट को बोलेंगे नॉर्मल है, इसको बोलेंगे ये टेंजेंशियल है। और नॉर्मल कंपोनेंट की वैल्यू हमारे पास अगर ये एंगल थीटा है तो हम इजीली कॉस थीटा और साइन थीटा लगाकर इसकी और इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि हमारे पास आ जाएगी नॉर्मल कंपोनेंट की आएगी वी साइन थीटा और टेंजेंशियल कंपोनेंट की आएगी वी कॉस थीटा। तो ये वैल्यू आ जाएगी वी साइन थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी v cos थीटा। सिमिलरली इन्हीं लाइंस पर हमारे पास तो ये टेंजेंशियल कंपोनेंट है, ये आ जाएगा हमारे पास v cos थीटा। और अगर हम v cos थीटा को मैथमेटिकल लिखना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं v cos थीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी वेक्टर डॉट, यहां पे हमारा जो टेंजेंट है दिस वन। ये मैंने किस तरह से लिखा है, क्योंकि मैं वेलोसिटी के साथ खुद से वन से मल्टीप्लाई करके कॉस थीटा लिख सकती हूँ, और वन जो है हमारे पास यूनिट टेंजेंट वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड आ जाएगी। तो इस तरह से हम इसको डॉट वर्ड में बंद करके लिख सकते हैं वी डॉट टी कैप। देन हमारा फ्लो अलोंग पी पी डैश क्या हो जाएगा, फ्लो अलोंग पी पी डैश इट कैन बी डिफाइंड एज It is the product of the tangential component of velocity with the length delta s
ऑफ एलिमेंट पी पी डैश। आई मीन टू से कि इसको हम ये लिख सकते हैं, ये है ना हमारे पास टेंजेंशियल कंपोनेंट जिसकी हमने वैल्यू ये निकाली है, वेलोसिटी डॉट टी कैप मल्टीप्लाई विद डेल्टा एस, कि ये प्रोडक्ट हो जाएगा हमारे पास टेंजेंशियल कंपोनेंट का वेलोसिटी के जो ये है और लेंथ पीपी डैश की जो कि हमारे पास ये है। अभी हमने फ्लो अलोंग द पाथ जो पी पी डैश निकाला है, जो कि हमने बहुत ही स्मॉल एलिमेंट लिया था इस पूरे स्मूथ कर्व के ऊपर। तो अब इस स्मूथ कर्व में हमारे पास ढेर सारे और भी एलिमेंट्स होंगे, तो हम इनको सबको समेशन से शो कर लेते हैं। अगर ये हमारे पास किसी एक एलिमेंट के लिए है तो सबके लिए हम इसको लिख सकते हैं कि ये हमारे पास समेशन वेलोसिटी डॉट टी कैप डेल्टा एस। और यहाँ पे हम बता देते हैं कि जो हमारा डेल्टा एस है वो हमने बहुत ही स्मॉल एलिमेंट लिया था, तो इसके लिए हम यहाँ लगा देते हैं लिमिट डेल्टा एस अप्रोचेस टू जीरो। और आपको पता है जब लिमिट और समेशन एक साथ वर्क करते हैं तो मैथमेटिकली ये क्या बना देते हैं, इंटीग्रेशन, ठीक है। और ये थ्रू आउट कर्व के लिए बात हो रही है तो ए टू बी अंदर आ जाएगा हमारे पास वेलोसिटी डॉट टी कैप, और ये जो डेल्टा एस है ये इंटीग्रेशन की वजह से कन्वर्ट हो जाएगा डीएस में। तो ये हमने फ्लो अलोंग द कर्व कैलकुलेट कर लिया ए टू बी के लिए, एक स्मूथ कर्व के लिए ये हमारे पास फ्लो है। अब हम इसको डिफरेंट तरीकों से इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। पहला तो हमने अभी अभी पढ़ा कि ये हमारे पास वेलोसिटी कंपोनेंट टेंजेंशियल कंपोनेंट है, तो हम उस फॉर्म में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम इसके डिफरेंट फॉर्म्स देख लेते हैं। तो एक तो हमने सबसे पहली फॉर्म जो पढ़ी वो ये हमारे पास कि ए टू बी कर्व के लिए वेलोसिटी डॉट टेंजेंट डी एस। पीछे भी मैंने प्रूव किया कि हम वी डॉट टी को किस तरह से लिख सकते हैं, कि ये हमारे पास है v की मैग्नीट्यूड, t की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू cos थीटा, तो t की मैग्नीट्यूड 1 है तो ये बन जाएगा v cos थीटा। तो हम यहाँ पे इसको इस तरह से लिख सकते हैं सेकेंड फॉर्म में कि हमारे पास कर्व a टू b v cos थीटा ds। और थर्ड फॉर्म भी हम इजीली लिख सकते हैं, हमें पता है टेंजेंट को हम इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं डी आर ओवर डी एस से। और अगर यहाँ पर मैं डी आर की वैल्यू निकालू तो ये आ जाएगी टी कैप डी एस। और अब ये टी कैप डी एस की जो वैल्यू अगर मैं यहां पुट कर देती हूँ तो थर्ड हमारे पास फॉर्म क्या बन जाएगी, ए टू बी वी डॉट, वैसे तो इसकी वैल्यू क्या आ गई डी आर, ठीक है, ये हमारे पास थर्ड फॉर्म आ गई। फोर्थ फॉर्म में हम इस तरह कर सकते हैं कि अगर हम ले लें अपना a टू b कर और वेलोसिटी को और dr को उसके कंपोनेंट्स की फॉर्म में ओपन कर दें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ui प्लस vj प्लस wk का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, dxi प्लस dyj प्लस dzk। अगर हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, u dx प्लस v dy प्लस w dz फ्रॉम द a टू b। अब हम लोग इन चारों टाइप्स में से अपने न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग जो हमें रिक्वायर्ड होगा उसको यूज करेंगे कि इंटीग्रल a टू b हमें इनमें से कौन सा फॉर्मूला पिक करना है, ठीक है। तो जो भी फॉर्मूला जो भी वैल्यूज हमें गिवन होंगी उसके अकॉर्डिंग हम चूज कर लेंगे कि हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। As in your book, the data is given in the form of u and v, and he said calculate the flow for the velocity field. अब हमें flow calculate करने के लिए u और v इन चारों types में से किसके लिए नजर आ रहा है, जो हमने last type find की थी, u dx, v dy plus wz. अब यहाँ पे u और v की value है, w missing है, तो ये two dimensional दे दिया है, तो हम अपना formula लिखेंगे यहाँ पर ये वाला, ठीक है, a टू b u dx प्लस v dy। और आगे इसके फर्दर टू पार्ट्स नहीं है, एक दफा वो कह रहा है y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर के लिए कैलकुलेट करें और एक y इज इक्वल टू 3x के लिए कैलकुलेट करें। तो हम इसे किस तरह से कैलकुलेट करेंगे ये देखते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं a टू b u dx प्लस v dy
इसकी वैल्यूज लगा देते हैं। हमारे पास इसकी वैल्यू क्या है, ए टू बी यू गिवन है एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस वी गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, और हम ए पार्ट कर रहे हैं, उन्होंने कहा है इसको करें द पाथ y इज इक्वल टू 3x के लिए। तो y इज इक्वल टू 3x को हम फर्दर अगर दोनों तरफ इसका डिफरेंशियल लें तो आ जाएगा डी वाई इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर भी है, 3 ऐसे ही इंटू 2x dx, इसको हम लिख सकते हैं 6x dx। तो ये वैल्यू जो हमारे पास आई है ये हम इसमें पुट कर लेते हैं, यह आ जाएगा हमारे पास a टू b x square, y की जगह आ जाएगा 3x square dx plus x square minus y square की जगह 3x square जो वैल्यू रखेंगे तो यहां आ जाएगा 9x 4, साइड में डी वाई की जब वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा डी एक्स, सॉरी साथ में 6x भी आएगा, 6x dx, ठीक है। अभी की लिमिट्स कौन सी आएंगी, इन्होंने हमें दो लिमिट्स दी हुई है, एक हमें दी हुई है x पर लिमिट दी हुई है जो कि है हमारे पास कि x जो है वो लेस देन और इक्वल टू हो 1 से और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 से, और एक लिमिट इन्होंने y पे दी हुई है जो कि है y लेस देन इक्वल टू हो 3 से ग्रेटर देन इक्वल टू हो 0 से। क्योंकि हमारा पूरा एक्सप्रेशन x में कन्वर्ट हो चुका है तो हम ये वाली लिमिट यूज करेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा लिमिट 0 टू 1, सबको सॉल्व करके शॉर्ट कर लेंगे तो आ जाएगा 3x 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 54x 5 dx। इसको 0 से 1 लिमिट में इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा माइनस 69 डिवाइडेड बाय 10। जिस तरह हमने इस के अलोंग निकाला है, इस कर्व के अलोंग, इसी तरह बी पार्ट में दिया हुआ उन्होंने हमें कि y इज इक्वल टू 3x के लिए लें, तो ये भी हम सिंपली उन्हीं लाइंस पे dy को कन्वर्ट कर लेंगे 3 dx पर, और फिर इसकी वैल्यू सारे लगाएंगे और इसका फाइंड कर लेंगे सेम मेथड के अकॉर्डिंग। इस तरह से फ्लो अलोंग द कर्व जो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं जो कि हमारे पास सर्कुलेशन। सर्कुलेशन इसको जो है हम गामा से प्रेजेंट करते हैं, व्हाट इज सर्कुलेशन एंड व्हाट इज इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर सर्कुलेशन, हाउ कैन वी कैलकुलेट सर्कुलेशन, इसको देखते हैं। जिस तरह से हमने अपने फ्लूड के अंदर एक स्मूथ कर्व लिया था और उसके अलोंग हमने अपना फ्लो कैलकुलेट किया था ए टू बी, बिल्कुल इसी तरह जो हमारे पास सर्कुलेशन होगी उसमें भी हम कैलकुलेट करेंगे फ्लो, बट वो एक क्लोज कर्व के अलोंग होगी। मतलब अगर मैं इसको क्लोज कर दूं लाइक इस तरह, या फिर एक और कर्व लूं और वो क्लोज्ड कर्व हो, उसका नाम सी रख लेते हैं, और जो इसमें फ्लो हो रहा है उसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं, और सी हमने इसको क्लोज कर्व की वजह से ही कहा है। अब इस क्लोज कर्व के अलोंग हमारा फ्लो जो हम कैलकुलेट करेंगे उसको हम सर्कुलेशन बोलेंगे, और उसको हम बोलेंगे कि हमने गैमा कैलकुलेट किया है। जैसे हमने एक स्मूथ कर्व के लिए फार्मूला ड्राइव किया था कि हमारे पास ए टू बी वी डॉट डी आर जो है ये फार्मूला आया था, किसका हमारे पास आया था, फ्लो अलोंग द कर्व। अब अगर हम इसी कर्व को चेंज कर लेते हैं कि ये हमारे पास जो है क्लोज्ड कर्व बन गया है, तो फिर इस फार्मूले की नोटेशन में ये चेंज करेंगे कि हम यहाँ पे ये नहीं शो करेंगे कि ये हमारे पास सिंपल एक कर्व की हम लोग इंटीग्रेशन ले रहे हैं ए टू बी, किसी इस कर्व की लेंथ पे हम इसको इंटीग्रेट करें, बल्कि इसके एज कंपेयर हम यहाँ पर एक सर्कल का साइन शो कर देंगे जो कि ये शो करेगा कि अब हमने जो फ्लो लिया है
वो सर्कुलेशन है हमारे पास, एक क्लोज्ड कर्व के लोंग है हमारे पास, जिससे इसका फार्मूला बन जाएगा वी डॉट डी आर। और अगर हम इसको टेंजेंट वाली फॉर्म में लिखना चाहें तो हमारे पास बन जाएगा क्लोज कर्व सी वी डॉट टी कैप डी एस। और फर्दर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि क्लोज कर्व सी, जिसको हमने कॉस थीटा की फॉर्म में लिखा था, वी कॉस थीटा डी एस। और अगर यू वी की फॉर्म में लिखना चाहें, कंपोनेंट की फॉर्म में, तो ये हमारे पास आ जाएगा क्लोज्ड कर्व सी यू डी एक्स प्लस वी डी वाई प्लस डब्ल्यू डी सी। बाकी चीज़ें सभी सेम है, लेकिन जो हमने कर्व लिया था ए टू बी, उसको हम क्लोज कर्व सी शो करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा गैमा सर्कुलेशन। फ्लो को तो हमने अच्छी तरह से समझ लिया, तो फिर अब सर्कुलेशन की हमारे पास डेफिनेशन क्या बनेगी उसको देख लेते हैं। काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए हम इसकी डेफिनेशन को लिख सकते हैं, द सर्कुलेशन इज डिफाइंड एज द फ्लो अलोंग अ क्लोज कर्व सी, दैट इज इट इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी टेकन अलोंग द क्लोज्ड कर्व सी। सेम मतलब फ्लो अलोंग अ कर्व की तरह की डेफिनेशन हो गई, बट चेंजिंग क्या आई कि इसमें हमारे पास क्लोज्ड कर्व हो गया। और कुछ जगहों पर इसको इस तरह से भी डिफाइन किया जाता है कि सर्कुलेशन इज द मेजर ऑफ रोटेशन इन ऑफ फ्लो फ्लूइड। इसके मीनिंग ये है कि हमारे पास जब एक क्लोज्ड कर्व है तो जो फ्लूइड की हमारे पास फ्लो हो रही है वो फिर साथ साथ अपनी कंप्लीट कर रही है, अपनी रोटेशन भी कंप्लीट कर रही है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास अगर ये वापस यहाँ पर आता है तो इसने अपना एक सर्कल भी कंप्लीट किया। तो बेसिकली हम कह देते हैं कि इसने अपना एक रोटेशन कंप्लीट किया। तो सर्कुलेशन जो है वो रोटेशन की मेजर भी है हमारे पास। ठीक हो गया। फर्दर मोर हमने इसकी डेफिनेशन कर ली, इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला देख लिया, तो हम इसके ऊपर भी अब देखते हैं कि सर्कुलेशन में अगर हमारे पास फुल एक कर्व है, एग्जांपल मैं कह रही हूँ ये हमारे पास क्लोज कर्व है, ठीक है, और मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर लेती हूँ। अगर ये कर्व जो है यू मूव करा था ए बी सी डी और काउंटर क्लॉक वाइज डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन थी, तो अगर मैंने इसको डिवाइड किया बीच में से, तो अब मेरे पास ये दो सर्कल, दो अगर ये फुल एक सर्कट का हम इसको नेम देते हैं और उसका नेम हम रखते हैं कि वो है हमारे पास ए बी सी डी, और उसकी सर्कुलेशन को हम गैमा से शो करते हैं। तो हम एक इस इधर ले लेते हैं सर्कट, इसका नाम गैमा वन रख लेते हैं, और इधर ले लेते हैं सर्कट, इसका नाम गैमा टू रख लेते हैं। और फिर जो इस वाले सर्कट का नेम आएगा वो हमारे पास आ जाएगा ए बी सी ए, ये आ जाएगा हमारे पास सिग्मा वन। और इसी तरह दूसरा हम जो ले लेते हैं ए सी डी ए, ए सी डी ए, और इसका नाम रख लेते हैं कि ये हमारे पास है सिग्मा टू। तो फिर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम हमारे पास एक फुल सर्कुलेशन है तो हम अगर उसके अंदर सब डिवीजन कर लें, मतलब फुल एक सर्कट को टू सर्कट्स में डिवाइड कर लें, तो वो इक्वल होती है उन दोनों सर्कट्स के सम के। तो हम इसको प्रूफ कर लेते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए मैं जो इस वाले सर्कल के अंदर सारे आ रहे हैं अपने कर्व उनको लिखती हूँ। ये ए से बी है हमारे पास, ये मैंने इसकी डायरेक्शन शो कर दी। ये ए से बी सिग्मा वन के लिए अगर मैं लिखना चाहूँ तो सिग्मा वन के हमारे पास आ जाएंगे ए से बी, और देन बी से सी और सी से ए, बी से सी एंड सी से ए। और इसी तरह अगर मैं सिग्मा टू के लिए लिखना चाहूँ तो ये मेरे पास आ जाएंगे ए से सी, सी से डी, डी से ए, ए सी सी डी एंड डी ए,
इसमें ये जो हमारे पास लिखा हुआ है एसी, ये यहाँ ऊपर की डायरेक्शन की तरफ जा रहा है ना एसी, अगर मैं इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में लिख लेती हूँ सी ए, तो ये सेम यही बन जाएगा, लेकिन इसमें सी ए जब हम इसको डायरेक्शन चेंज करेंगे साथ माइनस का साइन आ जाएगा, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं माइनस सी ए प्लस सी डी प्लस डी ए। अब अगर मैं इसको पुट कर देती हूँ सिग्मा के अंदर, सिग्मा वन सिग्मा टू को, तो ये हमारे पास ए बी, ये वाला सी ए इस सी ए से कट जाएगा, तो पीछे बच जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। और अगर इस पर गौर करें तो हमारा फुल कर्व दोबारा बन गया ए बी बी सी सी डी डी ए, ये देखें ए बी बी सी सी डी डी ए। तो इसको हम अगेन लिख सकते हैं सिग्मा, तो सिग्मा हमारे पास जो ये सब जगह मैंने सिग्मा बोल दिया, गैमा वन गैमा टू गैमा थ्री बोलना था, गैमा वन प्लस गैमा टू जो है वो हमारे पास गैमा के इक्वल हो जाएगा। तो फिर ऑब्वियसली हम ये कह सकते हैं कि अगर हम लोगों ने किसी एक सर्किट को सब डिवाइड किया है, तो हम उस सर्किट की जो सर्कुलेशन लिख रहे हैं गैमा, वो हमारे पास इक्वल आएगी किसके, उसको जो हमने सब डिवाइड किया था उसके सम के इक्वल। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं फिर इस तरीके से। तो अगर अब हम इस सर्कुलेशन का फार्मूला, जिसमें पता है कि ये हमारे पास इज इक्वल टू है क्लोज कर्व सी वी डॉट टी आर, इसकी पोलर फॉर्म लिखना चाहते हैं, तो अगर हमें वेलोसिटी और टी आर की पोलर फॉर्म पता है तो हम उसको यहाँ पुट कर देंगे, फिर इनका वैल्यूज़ यहाँ लगा कर पोलर फॉर्म निकाल लेंगे। तो वेलोसिटी होती है हमारे पास वी आर ई आर प्लस वी थीटा ई थीटा प्लस वी जी ई जी, ये वेलोसिटी आ गई इन पोलर फॉर्म। और यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं डी आर को इन पोलर फॉर्म, वो हमारे पास आ जाएगा डी आर ई आर प्लस आर डी थीटा ई थीटा प्लस डी जी ई जी। अब इसको यहाँ पर पुट करके मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सर्कुलेशन पोलर फॉर्म जो आएगी वो आ जाएगी वी आर डी आर प्लस वी थीटा आर डी थीटा प्लस वी जी डी जी। तो ये हमारे पास गैमा आ गया, ठीक है, इन पोलर फॉर्म। अब जो है हम इसके ऊपर एग्जांपल देख लेते हैं 26। द वेलोसिटी कंपोनेंट फॉर अ सर्टन फ्लो फील्ड आर गिवन बाय यू एंड वी, कैलकुलेट द सर्कुलेशन अराउंड द स्क्वायर इनक्लोज्ड बाय द लाइन। और हमारे पास x इक्वल टू प्लस माइनस वन है, y इक्वल टू प्लस माइनस वन है, जिससे ये हमारे पास फुल क्लोज्ड कर्व बन जाएगा। एंड आल्सो वेरीफाई द रिजल्ट बाय द यूजिंग स्टोक्स थ्योरम। ये जब मैं रिलेशन बनाऊंगी तो ये हमारे पास बाद में पार्ट सॉल्व करेंगे, यहाँ तक हम जो है इसकी सर्कुलेशन कैलकुलेट कर लेते हैं इस क्लोज कर्व के लिए। ये क्लोज कर्व हमने ड्रॉ कैसे किया, ये देखिए, हमें हमारे पास जो है x इज इक्वल टू क्या दिया है प्लस माइनस वन, इसी तरह y इज इक्वल टू दिया है प्लस माइनस वन। तो ये अगर हमारा y एक्सिस है, ये अगर हमारा x एक्सिस है, तो यहाँ पे कह लेते हैं वन माइनस वन, ठीक है, इसी तरह यहाँ पर वन और यहाँ पे ले लेते हैं माइनस वन। अब एक स्क्वायर ड्रॉ करना है हमने इन लाइन्स के थ्रू, तो हमारे पास कैसे बन जाएगा इस तरीके से, ये वो क्लोज कर्व बन गया। और हमने इसकी काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन रखी है, ठीक है। अब इसके हम नेम्स रख लेते हैं, हम कहते हैं कि इसका नेम है जी ए बी सी डी, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है हमारे पास और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। फुल कर्व क्या बन जाएगा, ए बी सी डी ए, ये हमारा क्लोज कर्व है। तो इसके लिए हमारा फार्मूला फिर क्या बन जाएगा, गैमा इज इक्वल टू क्लोज कर्व ए बी सी डी ए। तो फार्मूला हमारे पास, क्योंकि हम यू और वी गिवन है, तो उसी फॉर्म में लिख लेते हैं यू डी एक्स प्लस वी डी वाई, टू डायमेंशनल है तो ये फार्मूला आएगा। और यू और वी की जो वैल्यू दी हुई है वो भी लिख लेते हैं ए बी सी डी ए में। यू हमारे पास गिवन है एक्स प्लस वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई डी वाई। अब हम इसको अगर
इस तरह डिवाइड कर लें, जैसे हमने पिछले सर्कुलेशन में सीखा कि हम इसको लिख सकते हैं ए बी बी सी सी डी डी ए, तो हमारी इंटीग्रेशन कुछ इस तरह से डिवाइड हो जाएगी, फोर ए बी, देन सारा इसके लिए इंटीग्रेट करेंगे अंदर वाली सारी चीज़ आएगी प्लस, नेक्स्ट आएगा बी सी, फिर इसके लिए सारी आएगी प्लस, फिर सी डी इसके लिए सारी आएगी, देन प्लस डी ए इसके लिए हमारे पास सारी कैलकुलेशन आएगी। अब वन वन करके हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ए बी के अलॉन्ग, तो ए बी के अलॉन्ग हम देखते हैं हमारे पास लाइन कौन सी है, मतलब हमें इस लाइन के अलॉन्ग करना है ना, वाई प्लस माइनस वन और एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। तो चेक करते हैं ए बी के अलॉन्ग हमारे पास कौन सी लाइन है, यहाँ पर हमारे पास वाई इज इक्वल टू माइनस वन है, ठीक है, अलॉन्ग ए बी हमारे पास वाई कितना है इज इक्वल टू माइनस वन है, और जो x है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहा है, अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास 1 पॉइंट से माइनस 1 पॉइंट तक वेरी हो रहा है, यानी कि y फिक्स है हमारे पास, वो कितना है माइनस 1। ए से b की लाइन में y हमारे पास फिक्स है, वो कितना है माइनस 1, जबकि x वेरी हो रहा है कहाँ से, 1 से माइनस 1 तक। तो इस चीज़ को यहाँ लिख लेते हैं कि अलोंग द कर्व along the sorry straight line, हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन है ए बी, इसमें हमारा जो y है वो माइनस वन फिक्स है, जबकि जो x है वो वेरीज हो रहा है कहाँ से, वन टू माइनस वन। तो फिर इसके लिए हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा कि along ए बी हम अपने अंदर वाले सारे को चेंज कर लेते हैं, y इज इक्वल टू माइनस वन पुट कर देते हैं। जब हम यहाँ y इज इक्वल टू माइनस वन पुट करेंगे तो यहीं पर देख लेते हैं, यहाँ माइनस वन आएगा जब हमारे पास x माइनस वन, और साथ में ये भी आपको पता है कि जब इसके ऊपर मैं डिफरेंशियल लूँगी तो ये जीरो हो जाएगा, तो dy वाई जीरो है, तो नेक्स्ट वाली पूरी टर्म मेरे पास जीरो हो जाएगी, सिर्फ यहाँ पे x और y की जगह माइनस वन आ जाएगा, ठीक है, और dx वैसे ही रह जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ अलॉन्ग ए बी मेरे पास जो सारी वैल्यू थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, ए बी सॉरी बल्कि इसकी वैल्यू भी लगा देते हैं, अलोंग द स्ट्रेट लाइन माइनस वन से वन तक, ये हमारे पास आ गया एक्स माइनस वन डी एक्स, जिसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी टू। इसी तरह एक और के पाथ के थ्रू बता देते हैं, ये देखें बी सी के अलोंग हम कैसे निकालेंगे। अब बी सी में हमारे पास जो एक्स है वो फिक्स हो गया, x हमारे पास 1 है, जबकि वेरी क्या कर रहा है, यहाँ से वैल्यू यहाँ तक वेरी कर रही है, यानी कि माइनस 1 से 1 तक y वेरी कर रहा है। इस वाले केस में हमारे पास अब x जो है वो फिक्स हो गया है 1 पर, ठीक है, जबकि y जो है वो वेरी कर रहा है माइनस 1 से 1 तक, ये माइनस 1 और ये 1। तो हम इसके लिए लिखेंगे अपने सेकेंड स्ट्रेट लाइन के लिए, तो वो क्या बन जाएगी, हम बोलेंगे अलोंग स्ट्रेट लाइन बी सी, बी सी के लिए हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 1 हमारे पास फिक्स हो गया है, और y जो है वो वेरी कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, माइनस 1 टू 1। तो इसका भी हम यहाँ पे डिफरेंशियल लेंगे तो ये भी dx इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं हम, ये हमारे पास क्या आएगी बी सी के लिए, तो ये सारा अंदर जब अप्लाई करेंगे तो y मूव कर रहा है माइनस 1 से 1 तक, और अंदर जब वैल्यू पुट करेंगे तो फिर से ये देख लें, यहाँ पर जब आप पुट करेंगे डी एक्स ज़ीरो, यानी ये वाला पूरा फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा, और इस वाले फैक्टर में जब आप एक्स की जगह वन लगा देंगे तो आ जाएगा वन माइनस वाई डी वाई, तो हम लेफ्ट कर जाएंगे सिर्फ वन माइनस वाई डी वाई के साथ। जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा टू। इसी तरह जब हम अलोंग द कर्व सी डी के लिए करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा माइनस टू, और जब हम लॉन्ग द कर्व डी ए के लिए करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा माइनस टू। तो अब जब हम इन सब की वैल्यूज़ वहाँ रख देंगे तो हमारे पास गैमा किसके इक्वल आ जाएगा, इन सब को ऐड कर लेते हैं ऐड, माइनस टू प्लस टू माइनस टू माइनस टू इज़ इक्वल टू माइनस फोर। तो ये हमारे पास सर्कुलेशन कैलकुलेट हो गई, माइनस फोर हमारा आंसर आ गया, ये हमारी सर्कुलेशन है अलॉन्ग ए बी सी डी ए।
अब हमारी ये सर्कुलेशन ठीक है या नहीं तो मैथमेटिकली हम इसको जो है वेरीफाई भी कर सकते हैं, और हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं स्टोक्स थ्योरम्स की हेल्प से। लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले रिलेशनशिप पढ़ना पड़ेगा अपना, किसके दरमियान, सर्कुलेशन और वर्टिसिटी स्टोक्स थ्योरम के दरमियान हमें पहले अपना एक रिलेशन निकालना होगा। फिर हम लोग जब ये रिलेशन बिल्ड कर लेंगे तो हम वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारे इस जो हमारे पास है ए बी सी डी डी ए जो कर्व है, इसके अलॉन्ग सर्कुलेशन जो हमने -4 निकाली है वो -4 ही है। ठीक है, उसका एक अलग रिलेशन से जो फॉर्मूला बनेगा उसके थ्रू हम इसको प्रूव कर सकते हैं, तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। थैंक यू।